हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं बनाने जा रही हूँ चाप। तो ये देखो, मैंने बॉईल की हुई है अच्छे से। तो मैं इसको अच्छे से मैंने बॉईल करके रखी हुई है और इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब ये इधर मसाला रखा हुआ है, तो अभी मैं इसको टमाटर हैं, प्याज है, लहसुन है और ये मिर्च है। मतलब अपने हिसाब से आप तीखा जैसे खाते हो वैसे डाल सकते हो। तो ये 6 पीस है चाप के, बड़े बड़े जो आते हैं वो 6 हैं, तो मैंने इनको कट किया है। इधर भी मैंने गरम करने तेल रखा है, तो मैं इसमें भी तलूंगी इनको। मैं ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे तेल ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा में नहीं तलूंगी, कम में ही तलूंगी। आप अपने हिसाब से तेल ले सकते हो, जितना ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, तो मैं अभी इसमें डाल देती हूँ चाप। और उधर अब इसको ज़्यादा तेज गैस पे नहीं पकाना है, थोड़ा मीडियम गैस पे ही पकाना है। ये देखिए, आराम से डालना क्योंकि तेल थोड़ा इसमें पानी आनी होता है, तो वो तेल उछलता भी है। तो ये देखिए आपको, तो ये पक जाएगा अच्छे से। और इसको ऐसे हल्का ही, ज़्यादा पकाना भी नहीं है बहुत ज़्यादा, इसको हल्का हल्का पका के फिर निकाल के साइड में फिर मैं दिखाती हूँ आपको बनकर। अब ये ऐसी हुई है थोड़ी सी, तो ये इनका कलर चेंज होने लगा है, देखो रंग रंग हो गया है कलर। तो अभी मैं इनको थोड़ा सा और पकाऊंगी। बहुत ज़्यादा पकाने से क्या है ना, ये गलती नहीं है, फिर ये थोड़ा सा अजीब सी हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाऊंगी। तो इनका कलर मैं ऐसा ही रखूंगी, आप लोग देख रहे हो, एकदम सही है। अगर आपको ज़्यादा पकाना है तो आप वैसे पका सकते हो। इस तरीके से ही आपको ये कलर इनका रखना है। ये देखो पक चुकी है अच्छे से, अब मैं इनको इधर निकाल लेती हूँ। थाली में मैं निकाल लूंगी, एक साइड में कच्ची रखी हुई है, एक साइड में ये निकाल लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से आपको पका लेना है, सारे निकाल लेना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ग्रेवी, तब तक ग्रेवी भी बना लेती हूँ साइड में। और इधर भी मैंने मसाला पीस के रख लिया है। और इधर हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, तो इसमें मैंने बाकी डाल रखा था, प्याज, टमाटर, अदरक, ऊपर से मैंने डाली थी लहसुन, हरी मिर्च, तो वो मैंने पीस लिया है। तो अभी मैं ये करती हूँ, इसमें डालती हूँ कढ़ाई में पहले लाल मिर्च, क्योंकि इससे ना कलर थोड़ा सा अच्छा आता है, तो मैं थोड़ी लाल मिर्च डालूँगी पहले। मैंने काफ़ी हरी मिर्च डाल रखी है, तो मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च डाली है, ज़्यादा नहीं डाली है। गैस याद रखना, बहुत ज़्यादा तेज मत रखना। मैंने इसी में तला था वो, तो मैंने इसी में ऐसे ही डाल दिया है, जब चाप मैंने इसमें तली थी, तो वही कढ़ाई मैंने यूज़ की है। तो आप देखिए ऐसे कितना अच्छा कलर आता है। और इसको अच्छे से पकाना है, एकदम थोड़ा ड्राई हो जाए कि, क्योंकि अगर पकाओगे नहीं तो जो कच्चे मसाले की फिर बदबू आएगी, फिर से अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं भी इन्हें अच्छे से पकाऊंगी, इसमें सारे मसाले डालती हूँ मैं, 7वें मसाले डालने हैं। हल्दी, 1.5 चम्मच हल्दी डाली है मैंने। नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो, तो नमक में डाल देंगे। 2 चम्मच से ज़्यादा नमक डाला, 2.5 चम्मच करीब। अब 1 से 1.5 चम्मच धनिया, बस। तो ये मैंने नॉर्मली मसाले डाले हैं, कोई ज़्यादा अलग से मसाले नहीं मैंने डाले हैं। तो अभी इसको मुझे पकाना है अच्छे से, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब पक जाएगा।
ये जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा पीसा है तो ये थोड़ा अच्छे से पीस नहीं पाया टमाटर। खैर कोई नहीं, ये गल जाएगा इसमें, ऐसा कोई नहीं है। तो अभी ये पक जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखो तो ये इस पे हो गया है, तो आप देखिए तो ये मैंने ऐसे पका लिया, अच्छे से पक गया है तो कोई ज़्यादा वो नहीं लगता है। और इसे अगर पकाना चाहते तो और पका लीजिए आप, अगर मैं इतने में ही डाल दूँ क्योंकि अच्छे से पका लिया मैंने काफ़ी देर तक, कम से कम 20 मिनट हो गया पकाते हुए, तो वैसा था। तो अब ये देखिए इतना पक गया है एकदम अच्छे से। और इसमें जो भी मसाला था वो अच्छे से पक चुका है, तो आपको दिख रहा होगा देखो कितने अच्छे से बबल्स छोड़ने लगे दूसरी साइड से। तो मैं इसमें चाप डाल दूंगी क्योंकि फिर मुझे चाप में भी डाल के पकाना है, तो ये अच्छे से मसाला पक जाएगा। और तो ये देखिए सारी चाप ऐसे डालना है इसमें अच्छे से। तो मैं इसको पका के ऐसे डाल देना अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा इसमें, तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चाप बनाने में, फटाफट आप बना के घर पे अच्छे से खा सकते हो। बाहर से लाते हैं उतने में तो 4-5 लोग घर में बना के खा सकते हैं। तो ये देखिए, हाँ ये है थोड़ा सा, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा मेहनत तो लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं लगता, फटाफट आप बना सकते हो। तो ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, फिर इसको पकाएंगे कम से कम 20 मिनट तक। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। अभी ये देखो इतना मैंने पानी डाल दिया है, अभी थोड़ा और डालूंगी क्योंकि इसको अच्छे से पकाना है, जो हमने तला था थोड़ा कैसा हो जाए, तो मैं इसे और पकाऊंगी थोड़ा अच्छे से, फिर मैं आपको देखिए इतना पानी डालना है लगभग मैंने डाला होगा ये पूरा 1 कप, एक मतलब 1 गिलास इसमें पानी मैंने डाल दिया है। तो ये देखिए अभी अच्छे से पकेगा, तो मैं इसको ढक दूंगी अभी। तो अभी तो मैंने 1 से 2 चम्मच दही लिया है, तो मैं इसको भी फेटूंगी अच्छे से, और फिर जब वो पक जाएगा तो मैं उसमें डालूंगी। तो मैं अभी इसको फेट के आपको दिखाती हूँ। तो इसको ऐसे अच्छे से फेटना है, तो अच्छे से फेट के और बस रख देना अभी थोड़ी देर जब तक पक रही है सब्ज़ी। और जब सब्ज़ी पक जाएगी तो मैं इसको लास्ट में डालूँगी उसमें, नहीं तो ये फट सकती है। चलो ये देखो दोस्तों पक चुकी है सब्ज़ी अच्छे से। तो ये देखिए ग्रेवी भी बढ़िया है एकदम, तो ये पक गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये पक चुकी है अच्छे से, तो ये थोड़ी सी वैसे भी टाइट रहती है उस तरीके की, तो ये मैं बंद कर देती हूँ। अब अभी से ये चाप डाल देंगे इसमें, मतलब ये दही डालेंगे इसमें, तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं उसके बाद ही डालूँगी। डाल फट जाएगी, तो मैं फोन अचले मेरा कहीं जा रहा है तो मुझे फटाफट डालना पड़ेगा, फ़ोन नहीं दे मिलेगा मुझे लगता। तो मैं आप लोगों के लिए दिखाने के लिए डाल देती हूँ फटाफट ऐसे ही, लेकिन आप लोग हल्का सा ठंडा हो जाए उसके बाद डालना, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं फटाफट ऐसे डाल के आपको दिखाई दे रही हूँ। तो ये देखिए, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा, आप बना के देखना कभी भी घर पे। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना कि नई नई वीडियो आती रहे आपके पास। ओके, बाय बाय।